यहाँ पे आज हम न्यूज प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 इसका लास्ट चैप्टर है। फंक्शन होता है, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारे पास ब्लॉक होता है, ब्लॉक मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर हम लोग ज्यादा सारी चीजों को एट अ टाइम रख सके, ईच परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क, और जिसके अंदर रहते हुए हम लोग खास किस्म का टास्क परफॉर्म कर सके। जैसा कि प्रिंट एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो कि आउटपुट को शो कर रहा है। इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें कोई भी कर देता है स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या होता है? स्कैन एफ इज एन अदर फंक्शन दैट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम दी। स्कैन एफ भी हमारे पास एक फंक्शन है जो कि यूज होता है इनपुट लेने के लिए यूजर से। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे पास दो तरह के टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बिल्ट इन फंक्शन द फंक्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये दोनों की फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन है। बिल्ट इन फंक्शन होता है जो पहले से ही लैंग्वेज के अंदर मौजूद हो, इसको हमें किसी किस्म की जस्ट हम लोग वहां पर उसका कीवर्ड लिखे और लैंग्वेज को पता चल जाए कि ये वाला काम मैंने परफॉर्म करना है, वो बिल्ट इन फंक्शन होता है। अब है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन द फंक्शन व्हिच आर डिफाइंड बाय अ प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर डिफाइन करता है आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो फंक्शन जो कि प्रोग्रामर अपनी ही मर्जी से परफॉर्म करता हो, उसे अपने काम को आसान करने के लिए वो कोई भी फंक्शन क्रिएट कर लेता है और उसको फिर बार बार यूज करे, उसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के जो एडवांटेजेस हैं वो हमारे पास किस तरह के हैं। फंक्शंस प्रोवाइड अस सेवरल एडवांटेजेस। रीयूजेबिलिटी, हम लोग बार बार फंक्शन, एक मरतबा फंक्शन बनाने के बाद बार बार रीयूज कर सकते, बार बार यूज कर सकते। सेपरेशन ऑफ टास्क, उसमें हम लोग कोई भी एक फंक्शन हम लोग बना लें और बनाने के बाद जो कि हमारी जरूरत हो लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्राम के अंदर उसको फिर हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर उसको स्पेसिफिकली अगर हम लोग कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लाइनों का, 60 लाइनों का या 20-30 लाइनों का भी, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसा अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम कुछ ऐसा वहां पे करते हैं कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनमें से हाफ काम कोड को दे दिया। सपोज करें हम लोग यूजर डिफाइंड, हम लोग बिल्ट इन फंक्शन दे लेते हैं कि हमें चाहिए प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये दोनों के फंक्शन सेपरेट है, दोनों का काम सेपरेट है। हमें स्कैन एफ के लिए सेपरेट उसके वो यूजर से इनपुट लेनी है और डिफरेंट टाइप्स की इनपुट लेनी है, और जब प्रिंट एफ हम लोग यूज करेंगे तो प्रिंट एफ के लिए उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो वैल्यूज है वो आउटपुट में शो करवानी है। हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हैंडल किया जाता है फंक्शंस के थ्रू। और सबसे लास्ट वाली जो हमारे पास इसका एडवांटेज है वो है रीडेबिलिटी। तो उस फंक्शन को जब हम पढ़ने बैठते हैं या उसको चेक करने बैठते हैं प्रोग्राम को, तो वो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। रीयूजेबिलिटी क्या होती है? फंक्शंस प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। हम एक ही मरतबा कोड लिखें और जस्ट वहां पर उस फंक्शन को कॉल करें और हमारा कोड वही फंक्शन जो हमने ऊपर को 5-10 लाइनों का लिखा है उसी को रिकॉल किया तो वो हमारे पास वही काम परफॉर्म करेगा जो कि हमने 50-20 लाइनों का कोड पहले से लिख दिया। इट मीन्स दैट व्हेन एवर वी नीड टू यूज द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द फंक्शन वी कॉल इट, हम वहां पर कॉल कर लेंगे और वो हमारा काम एज इट इज ही करेगा जैसा कि उसने फर्स्ट टाइम किया, और जैसे वही काम वो हमारा बार बार जब भी उसको उसी प्रोग्राम में रहते हुए कॉल करेंगे वो हमारा वही काम परफॉर्म करता जाए। सेपरेशन ऑफ टास्क, फंक्शंस अलाउज अस टू सेपरेट द कोड ऑफ वन टास्क फ्रॉम द कोड ऑफ अदर टास्क। होता क्या है कि हमने एक काम किसी एक फंक्शन से करना है, दूसरा काम किसी फंक्शन से। इसकी एग्जाम्पल मैंने स्कैन एफ और प्रिंट एफ की दी है, तो इसी तरह उसको हम लोग यूज करते हुए सेपरेट कोड्स को रीयूज कर सके। हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इफ वी राइट द होल प्रोग्राम एज अ सिंगल प्रोसीजर मैनेजमेंट ऑफ बिकम्स डिफिकल्ट। हम लोग जब भी कोई काम लिखेंगे करेंगे तो वो एज अ प्रोग्राम वो सिंगल प्रोसीजर मैनेजमेंट होगी, सिंगल प्रोसीजर को वो यूज करते हुए हमारे पास आगे उसको लेके चलेगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। रीडेबिलिटी क्या होगी? डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल फंक्शंस, हम लोग बहुत ज्यादा तो मैंने अभी बोला 50-60 लाइनों का या इससे भी बड़ा कोड आगे जाके आप लोग लिखें तो ज्यादा जितना लेंथ की कोड होगा उतना ही हमारे पास उस प्रोग्राम को फंक्शनैलिटीज यूज करते हुए, फंक्शंस को यूज करते हुए हम शॉर्ट से शॉर्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को शॉर्ट से शॉर्ट करते जाएंगे और उसको यूज करना और उसको रीड करना जब हमने ये फंक्शंस अप्लाई किए होंगे तो उनको रीड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इंप्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम और हम लोग उसमें प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है उसको भी अच्छे से देख सकेंगे।